वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल मिल गया है। भारत की भावना पटेल ने टेबल टेनिस क्लास 4 मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। जी हां, भावना की कामयाबी के बाद उनके शहर मेहसाणा में होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, गुलाल एक दूसरे को लगाया जा रहा है, घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन फाइनल में पहुंचने पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने भी भावना को बधाई दी थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में भावना को जीत नहीं हासिल हो पाई, यानी कि गोल से वो चूक गई। फाइनल में भावना का सामना वर्ल्ड नंबर 1 चीन की जो यिंग से हुआ। यिंग ने यह मुकाबला 11-7, 11-5 और 11-6 से जीता है, लेकिन उसके बावजूद ये खुशी हमारे लिए कम नहीं है। और देखिए घर वाले भी किस तरह से होली दिवाली सब मना रहे हैं एक साथ, भावना के परिवार वालों की खुशी आप देख सकते हैं। आज आपने देश को पैरालंपिक्स का पहला जो मेडल है इस साल का वो दिलाया है। काफी ये जो आपका गोल्ड मेडल मैच था थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन जिस तरीके से हमने आपकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी थी, चाहे वो क्वार्टर फाइनल मैच हो, सेमीफाइनल हो, आपने जी जान लगाकर खेला था। आज के मैच में आपको क्या लगता है कहां पर थोड़ी सी अचूक हो गई, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि स्ट्रेट गेम्स में ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी तो उसकी वजह से मैं मतलब अपना 100% नहीं दे पाई हूँ, लेकिन ये कमी मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि जब 100% देते हैं तो हार की कहीं गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन आज मैं वो नर्वसनेस की वजह से थोड़ा कम परफॉर्मेंस कर पाई हूँ, तो ये नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैं जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल भवीना, और अगर हम बात करें हर एथलीट के लाइफ में भवीना स्ट्रगल होता है, आपके भी लाइफ में स्ट्रगल रही होगी, अगर आप अपनी कहानी बता सके इस ओलंपिक सफर के, अब जब आपने शुरुआत की थी 2011 में, आप वर्ल्ड नंबर 2 भी बनी थी, कहानी क्या ये क्या रही है आपकी, और किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया, उन चैलेंजेस को, उन बाधाओं को पार किया और आज आपके पास ये सिल्वर मेडल है? मैं हमेशा से एक ही चीज दिमाग में रखती हूँ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं समझती हूँ, वो एक मेरा एक्सपीरियंस रहता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो अगर मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो गॉड हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुले छोड़ देता है।